जाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह पे। अभी हमारा ट्रिप खत्म नहीं हुआ है, तब नायरा की क्लास ले रहा है। हमने जो स्पीड में जो टेंशन में चेकआउट किया है, अभी 5 मिनट मतलब दौड़ा दौड़ी हो गई। देख सकते हो कि इन्होंने छोटे छोटे ऐसे पूरा एक विलेज बनाया। जगह जा नहीं पाए या हमारा इंटरेस्ट नहीं था। चलो मम्मी को पूछते, मम्मी केव लगी हुआ विलेज। शायद एक बार पहले बोला भी था कि देयर इज एन ऐप कॉल्ड पे पेनी। और वैसे पिंकी, तुम क्यों ऐसे टेंशन में दिख रही हो, क्या हुआ? सेम ही है यार, अलग क्या है उसमें? नहीं, पे पेनी बहुत अलग है। Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. बज रहे सुबह के 9, हमारा अभी यहाँ पे स्टे होने आया है खत्म। और यहाँ पे बस लास्ट मिनट साफ सफाई चल रही है। चलो दिखा देते हैं। पिंकी यहाँ पे देखो मस्त सब साफ कर रही है। एयरबीएनबी है भाई, साफ करके जाना पड़ता है। बराबर के नहीं जाना पड़ता है, राइट? बट उसी का एक अलग मजा भी है, बिकॉज़ हम सब लगे हुए हैं। एग्जैक्टली, हम सब यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे मम्मी बर्तन वर्तन कर रही है, यहाँ पे आफ्ताब सब पैकिंग कर रहा है। इधर खुशबू यहाँ पे अभी फिलहाल नायरा को खाना खिलाने में बिजी है। ओट्स चल रहा है नायरा का। तो भाई ऐसा है अभी के माहौल। और अभी ऐसा प्लान है कि अभी थोड़ा रेडी हो गए, इससे पहले तो यहाँ से चेकआउट करेंगे 10:30-11 बजे के आसपास। और फिर हम जाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह पे। अभी हमारा ट्रिप खत्म नहीं हुआ है। और नहीं तो क्या? हम घर छोड़े हैं, लेकिन अभी आइल ऑफ वाइट नहीं छोड़े हमने। तो अभी ऐसा है कि एक जगह पे जाने वाले, आपको दिखाएंगे, व्लॉग में बने रही है। फिलहाल आपको अभी थोड़ा हम लोग यहाँ पे माहौल दिखा देते हैं। यहाँ पे मस्त सब बर्तन सब मस्त हो गया है। सब अपना अपना घर से जो भी सामान लाए थे वो सब साइड में रख दिया है। यहाँ पे कुछ सामान है, ये सब का अभी पैकिंग करेंगे और फिर निकलेंगे पैक करके। बराबर बोलो। जो सामान हम लाए, हाँ, आधा से ज्यादा खत्म हो गया, सब यूज हो गया, 90% खत्म हो गया। वो तो हम चीनी चाय एक्स्ट्रा लाए, राइट, तो वो ले जा रहे हैं। बाकी सब चार वो थैले भर के थे, ये चार थैले भर के हम लोग खाने पीने का सामान लाए थे, सब थैले खाली हो गए अभी। घिस घिस के बेचारा स्कॉच ब्रेड भी घिस गया पूरा। बज रहे सुबह के 10, हम लोग नहा के सब लोग हो रहे हैं रेडी। ऑलमोस्ट आधे लोग तो रेडी हो गए। और यहाँ पे अभी नायरा की क्लास ली जा रही है। आफ्ताब नायरा की क्लास ले रहा है। जरा आफ्ताब उसको थोड़ा बताओ तो क्या कहा, क्या होता है पता है यार? ये तुमको ऐसा लगता है तुम्हारा फेवरेट ड्रेस है, ये बीच ड्रेस है ना, है ना? अभी तुमने इसमें दाग लगा दिया, तुमको क्या लग रहा है? ये एक छोटा सा दाग, लेकिन इन लोग का, मम्मी का, डैडी का कितना एफर्ट जाता है तुमने देखा है? तुमको देखना पड़ता है सब क्या होता है। अपन बेधड़क होकर सब कर लेते चीजें, लेकिन उसके बाद पीछे का जो टेंशन, पीछे की जो मेहनत, वो देखो दिखती है नहीं दिखती? इसके लिए मैं बोलता हूँ भैया, बच्चा होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी समझ रखना उससे ज़्यादा अच्छी बात है। आज से आप रखोगे समझ, पक्का प्रॉमिस कर दो? गुड जॉब, थैंक यू, प्रॉमिस हो गया हमारा। हमारी आज की क्लास, आज का मास्टर क्लास यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले टाइम एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो भाई लोग बज रहे हैं सुबह के 10:30। हम लोग देख सकते हो, हम लोग नहा धो के सब रेडी होके तैयार हो गए। अभी टाइम है इस विला को, हमारे कॉटेज को अलविदा कहने का। बहुत मजा आया। और वेदर ने भी देखो 4 चांद लगा दिया, इतना मस्त हो गया। और वैसे पिंकी, तुम क्यों ऐसे टेंशन में दिख रही हो, क्या हुआ? एक्चुअली वो मम्मी को पैसे भेजने थे ना, तो आफ्ताब भी ट्राई कर रहा है। बहुत रेट हाई है यार। अच्छा, बाकी ऐप्स में आपको रेट बहुत ज्यादा दिख रहा है क्या? बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं, दिखता है कि गूगल वाला रेट दे रहे, बट बाय द टाइम मैं आगे जाऊँ तो सब पैसे रेट बढ़ जाता है। आई नो। तो बहुत इसका मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। मैं ना पिछले कुछ दिनों से, मैंने आपको शायद एक बार पहले बोला भी था कि देयर इज एन ऐप कॉल्ड पे पेनी। आई डोंट नो आपने यूज किया है कि नहीं। मैंने यूज नहीं किया, बट फिर वही सारे सेम ही है यार, अलग क्या है उसमें? नहीं, पे पेनी बहुत अलग है, मैं आपको बताता हूँ। आपने खुद पर्सनली? मैंने पर्सनली यूज किया है। मैंने पिछले 2 वीक्स में 2 बार पैसे ट्रांसफर किए इंडिया, और अच्छे से पूरा ट्रांसफर हो गया। एंड दे गिव यू द बेस्ट पॉसिबल रेट। सेफ है, 100% सेफ है। मैंने खुद ने यूज किया है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैंने खुद ने यूज किया, तो ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वरना मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। रेट आपको बेटर देन गूगल रेट्स एंड बेटर रेट देन एनी अदर ऐप, आप मानोगे नहीं। और देयर आर 0 ट्रांसफर फीस। और क्या चाहिए?
अरे ये बड़े बड़े ऐप्स भी ऐसे ही बोलते हैं, फिर जैसे ही मैं आगे जाऊँ ना प्रोसीड पे तो कहीं ना कहीं पैसे ले लेते हैं। पे पे नहीं, मैं आप अभी एग्जांपल देखो, आप अभी आप गूगल पे सर्च करो जीबीपी टू आईएनआर का आज का रेट कितना है। जीबीपी टू आईएनआर है 105.75 बराबर। हाँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पे पेनी पे क्या रेट मिल रहा है आज का। जीबीपी आईएनआर का आज का रेट है पे पेनी का 107.02। मैं ऐप में हूँ, देखो पे पेनी ऐप 107.02। कोई बीट कर सकता है ये रेट को? कोई भी ऐप चेक कर लो आपको कोई 2 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे 105.75 एग्जैक्टली। तो ये है फायदा पे पेनी का। फिर वापिस जाऊंगी मैं, पता है ना वो प्रोसीड पे भी, वो इसमें भी वही होगा। इसमें ऐसा नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं होता। आप ट्राई करो, और मेरे पास मेरा रेफरल कोड भी है, वो भी मैं आपको दूंगा, वो भी आप यूज करो तो मेरे को रेफरल बोनस भी मिल जाएगा। बट डेफिनेटली यू शुड ट्राई, 100% ट्रस्टवर्दी है, इट इज सेफ, एंड ट्रांसफर भी आपका अच्छे से हो जाएगा, कोई ट्रांसफर फी भी नहीं है। अरे वाह, और क्या चाहिए, इतना अच्छा रेट आपको कोई ऐप ले नहीं सकता। चल अभी ये करके दे, मुझे मम्मी को ट्रांसफर करना है। सो गाइस चलो इसी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ पे पेनी के बारे में। सो पे पेनी एक ऐप है जो फंड ट्रांसफर के लिए आप यूज कर सकते हो इफ यू आर इन द यूके, कैनेडा या यूरोप। अगर आपको इन किसी भी कंट्री से अगर आपको पैसे इंडिया ट्रांसफर करने हैं तो पे पेनी गिव्स यू द बेस्ट रेट्स। इसके चार फायदे मैं आपको बताता हूँ। पहला फायदा ये है कि दे गिव यू द बेस्ट पॉसिबल रेट, मतलब गूगल का जो ट्रांसफर रेट है उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा रेट मिलेगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि गूगल पे आज का जीबीपी आईएनआर रेट चल रहा है 105.74, पे पेनी आपको दे रहा है 107.02। सो ये एक फायदा है। दूसरा, दे हैव जीरो ट्रांसफर फी, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे इनको नहीं देने हैं फॉर मेकिंग एनी फंड ट्रांसफर। बाकी ऐप्स में आप देखोगे तो यू हैव टू पे अ ट्रांसफर फी ऑफ 1, 2, 3 pounds, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा फायदा इसको आपको बताता हूँ कि इसमें है 24/7 लाइव सपोर्ट। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, ऐप यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या आपके पैसे आपको लग रहा है कि बराबर ट्रांसफर नहीं हुए या कहीं अटक गए, उनके व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं, 24/7 लाइव सपोर्ट आपको देते हैं, गारंटी आपका इशू रिजॉल्व होके रहता है। मैंने पर्सनली यूज़ किया है पे पेनी, बहुत बार यूज़ किया है जब से पे पेनी आया। इनफैक्ट मैंने सब बाकी ऐप्स यूज़ करना छोड़ दिया है, तो पे पेनी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। चौथा फायदा आपको बता देता हूँ कि चौथा फायदा है कि इसमें आपको रेफर एंड अर्न का भी फीचर है। मतलब अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो, अगर आपको आपके फ्रेंड को आप अपना रेफरल कोड दोगे, अगर आपका फ्रेंड आपका रेफरल कोड यूज़ करके अगर पैसे ट्रांसफर करता है तो आपको फ़ायदा मिलता है। मतलब आपको यू गेट ऑल्सो अ पोर्शन ऑफ देयर फंड ट्रांसफर। तो ये है चार फायदे पे पेनी के। क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया? अरे क्या, अरे सीधे बैंक अकाउंट में, हाँ। बोला था ना मैंने। सो गाइस, पिंकी ने यहाँ पे सामने पे पेनी यूज किया, बेफिक्र पे पेनी यूज करो। यहाँ पे मैं अपना रेफरल कोड डाल रहा हूँ, ये रेफरल कोड यूज करके आप साइन इन कर सकते हो, तो हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर फॉरवर्डिंग मी द रेफरल कोड। बज रहे हैं सुबह के 11 और हमने जो स्पीड में, जो टेंशन में चेकआउट किया है, अभी 5 मिनट मतलब दौड़ा दौड़ी हो गई कि हुआ क्या कि भाई हमारा ये जो शैले है, केबिन है, उसका चेकआउट टाइम था 10 AM। तो मैंने ओनर को मैसेज किया, भाई हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं, तो मैं 11 बजे तक चेकआउट करूँगा। तो बोलने लगी कि अगर 11 बज से 1 मिनट भी हुआ, 11:01 भी हुई, तो मैं लेट चेकआउट का चार्ज मारूंगी। तो हम लोग ने जो, हमारे पास 10:55 था तब ओनर का मैसेज आया था, हमने जो स्पीड में चेकआउट किया, लकीली हमने चेकआउट कर लिया। ओनर को मैंने बोल दिया 11 बजे हमने चेकआउट किया, सामान पीछे गाड़ी में सब डाल दिया। अभी यहाँ पर थोड़ा लास्ट मिनट फोटो सेशन चल रहा है, इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत मस्त जगह पे, हम लोग जा रहे हैं मॉडल विलेज देखने, गॉडविन में, कहाँ पे कोई तो नाम है, गॉडजिल करके एक नाम है आइल ऑफ वाइट में। यहाँ पे एक बहुत मस्त मॉडल विलेज है, छोटा, वो आपने कॉट्सवर्ल्ड में देखा होगा हमारे व्लॉग में पहले, एक मॉडल विलेज है, तो वो हम देखने जा रहे हैं। बस 5 मिनट अभी इधर फोटो सेशन निपटाते और फिर निकलने वाले हम लोग। देख लो भाई, ये है सबके आउटफिट आज के, प्रॉपर समर लुक में आज सब लोग। अरे वाह, वेरी गुड, मस्त लग रहे हो। आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए हैं गॉडजिल मॉडल विलेज। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल विलेज है कॉट्सवर्ल्ड जैसा। इनफैक्ट ये जो पूरा गांव है ना, ये पूरा टिपिकल आप बोल सकते हो कि इसको, ये आइल ऑफ वाइट का कॉट्सवर्ल्ड ही है। देखो कितना सुंदर छोटा सा गाँव है ये, छोटे छोटे कैफेज है। यहाँ पे सामने रहा मॉडल विलेज जहाँ पे हम अंदर जाने वाले अभी, देख लो भाई। और इसका लास्ट एंट्री है 4 PM। इसका टिकट प्राइसेस आपको दिखा देता हूँ कि एडल्ट्स के लिए है 7 pounds, 3 से 6 साल 16 साल के बच्चों के लिए 6 pounds, और बाकी लोगों के लिए फ्री है, मतलब छोटे बच्चों के लिए फ्री है। तो अभी यहाँ से टिकट विकेट लेंगे। यहाँ पे देखो क्या क्या है, टॉयलेट्स, पिकनिक एरिया, सब कुछ है। सामने रहा टिकट काउंटर, भाई बहुत मस्त जगह है देखो। और यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है, यहाँ पे आप थोड़ा शॉपिंग, गिफ्ट शॉपिंग कर सकते हो। और ये पूरा विलेज है देखो भाई, बहुत ही बढ़िया जगह है। सो अभी हम जा रहे हैं अंदर,
और प्रियांक लेने वाले हैं टिकट. सो आई गेस उन्होंने 35 pounds चार्ज किया है. सो इट इज 7 pounds पर पर्सन. हम लोग अभी आ गए गॉडसेल मॉडल विलेज के अंदर. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने छोटे छोटे ऐसे पूरा एक विलेज बनाया और इसमें छोटे छोटे घरों के रेप्लिका रखे हैं यहाँ पे. ये ऐसा यूके में ऐसे है ना, हर जगह पे आपको कॉट्सवॉल्ड्स में भी ऐसे छोटे छोटे मॉडल विलेजेस बहुत दिखेंगे. यहाँ पे ऐसा ट्रेंड है कि जैसा एक प्रॉपर विलेज होता है ना, उसमें जितने भी घर होते हैं वो सबका एक छोटा सा रेप्लिका उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ होता है. तो जितने भी घर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे वीडियो में, ये सारे घर रियल में है और उनका सेम टू सेम एक मॉडल रेप्लिका इन्होंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है. और जितनी सड़कें भी आप देख रहे हो, ये सारी सड़कें एक्चुअली है. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. बोलते ना सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए पैरों से. हम आपको दिखाते कि सीढ़ियाँ असल में उंगलियों से कैसे चढ़ी जाती है. आइए नीचे. Oh. ये इतना छोटा है. अब आपको समझ आएगा कि ये कितना छोटा है. कितना छोटा है पर राइट पर कितने सुंदर घर है. और ये आप, मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि जितने घर यहाँ पे दिख रहे हैं ये रियल में है. यहाँ पे यही गांव में बाप रे. नायरा भी वही कर रही है. नायरा स्टेप स्टेप्स. अरे वाह. एक घंटा बोट में गाड़ी लेके आए. देख लो भाई कितने सुंदर घर है यहाँ पे. ये देखो ये पूरा विलेज है. पूरा बहुत ही बड़ा विलेज है गाइस. अपने को आगे जाना चाहिए. अभी तो और घर देखने बाकी है. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say you're looking like a gift for me. विलेज ये एक गांव है. उसका ये सब घर जो है रेप्लिका है. गांव का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है. सेम टू सेम मेन मेन बिल्डिंग है उन्हीं के उन्होंने डाले हुए हैं बराबर. अब उसके अंदर एक क्या बोलते हैं मॉडल विलेज भी है ना. हाँ. विलेज के अंदर विलेज है. तो जब आप यहाँ खड़े हो, हमने यहाँ गाड़ी पार्क की. ओ हो तो मतलब हम यही से अच्छा ये मॉडल विलेज का एंट्री. मतलब जिस विलेज में हम अभी मॉडल विलेज में, वो मॉडल विलेज का भी मॉडल है. और यहाँ पे हम भी हम यहाँ है. फोटो खींच रहे थे. ओहो हम बिल्कुल यही कहीं पे है. ओहो सुपर सुपर. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. तो हम एक जगह जा नहीं पाए या हमारा इंटरेस्ट नहीं था. बट आप अगर यहाँ आओ तो एक और बहुत फेमस चीज़ है. जैसे कि नीडल्स था वैसे ही यहाँ पे एक और जगह है विच इज़ कॉल्ड शैंकलिन. शैंकलिन बीच जो है, बीच पे आने से पहले आपको एक छोटे से जंगल झाड़ों के बीच में से आना पड़ता है. और उसके बीच में जो पानी बहता है ना, पत्थरों और स्टोन्स के बीच में से पानी बह के बीच पे आता है, तो उसका भी उन्होंने यहाँ पे मॉडल बनाया है. सो इट्स कॉल्ड द शैंकलिन चाइन. चाइन जो है उसका मीनिंग आई थिंक इज समथिंग लाइक आप पहाड़ों के बीचों बीच जो पानी थोड़ा थोड़ा कलकल बहता है. हाँ, झरना जो हम बोलते हैं, छोटे छोटे झरने. सो गाइस ये है वो चाइन. उसका भी पानी बीच में से आ रहा है ना, तो वो जो पानी बीच में से आ रहा है वहाँ पे भी ब्रिजेस है. आपको छोटे छोटे ब्रिजेस से होते हुए यहाँ आना पड़ता है. तो वो चाइन का भी उन्होंने यहाँ पे मॉडल बनाया. और ये बीच है
ओके सो गाइज अभी हम लोग मॉडल विलेज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में आ गए। यहाँ पे इन्होंने पूरा एक रेप्लिका बनाया गॉडजिल रेलवे स्टेशन का, और यहाँ पे ट्रेन्स भी आती जाती रहती है। ये देखो अभी ट्रेन आएगी थोड़ी देर में, एक ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, और ये देखो दूसरी ट्रेन अभी अराइव हुई है। यहाँ पे आपको सैंड डाउन, जू, टाइगर ट्रेन ये सब दिख रहा है, बट असलियत में आप ये ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पे एज अ विजिटर। स्टीम इंजन वाली ट्रेन है और वो जो ग्रीन है ना और ब्लैक है, एग्जैक्ट सेम। सो रियल में ये सारी ट्रेन है आपको यहाँ पे जो दिख रहे, और ये स्टेशन भी बिल्कुल ऐसा दिखता है गॉडजिला स्टेशन जो दिखा। अंदर बैठने का जो है ना एकदम विक्टोरियन टाइम का, जो अंग्रेजों के पुराने जमाने का। ओहो ये देखो एक ट्रेन चालू हुई है अभी यहाँ पे। चलो मम्मी को पूछते हैं, मम्मी केवू लाइक यू विलेज? मस्त है। तीसरी ट्रेन भी है जो ऊपर ब्रिज पे चलती है। हाँ अभी आएगी देखो एक ट्रेन ब्रिज पे। Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy, cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins, you could be the first and the second and the third and the rest of it.